Okay, all right. Check, 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 just check. Before we proceed, there are some empty chairs in front. और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ खाली कुर्सियाँ पड़ी हैं। So if someone who's sitting behind, can you come up front, please? अगर कोई जो सबसे पीछे बैठा हुआ आगे आ सकते हैं। Because when people come in late, then they can sit behind or once they come right up, so. Late में आएंगे वो पीछे बैठ सकते हैं। Only three people, oh. Come, all can come, there's lots of space in front. Occupy the chairs up front and there. And the worship in the church is always amazing. और जो आराधना है कलीसिया में वो बहुत ही अद्भुत होती है। Today was really good. Did you enjoy? और आज बहुत ही अच्छी थी। I really enjoyed the worship today. और मुझे बहुत पसंद आई आज। And today we'll speak on a principle. और आज हम एक सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। Not school principle, but principle. और ये किसी स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में नहीं, लेकिन सिद्धांत के बारे में। Okay. And making godly decisions. और एक आत्मिक निर्णय कैसे लेते हैं? Should our decision be based on principles or rules? क्या हमारे जो निर्णय हैं वो एक सिद्धांत पर हो या एक नियम के निर्णय? So here are the verses. You can take them down. तो यहाँ पर जो वचन है आप इसको लिख सकते हैं. 1 Corinthians 6:12. पहला कुरिन्थियों का 6 उसकी 12वीं आयत. 1 Corinthians 8:1. और पहला कुरिन्थियों का 8 उसकी पहली आयत. Then 1 Corinthians 10:23. और पहला कुरिन्थियों का 10 उसकी 23वीं पंक्ति. And then the same chapter verses 31 to 33. और इसी 10 के अध्याय में 31 से 32. 33. Okay. 33. So we are going to be in the book of 1 Corinthians if you have understood. तो आज हम इस किताब में रहेंगे कुरिन्थियों की. And let's pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं. Father, we thank you this evening. ईश्वर धन्यवाद देते हैं शाम के लिए. Your word. आपका वचन. Is every solution. उसके उसमें सारे उत्तर हैं। Is an answer। उसमें उत्तर है प्रभु। For our lives। हमारे जीवन के लिए। The way you want us to be। और जैसा आप चाहते हैं हमें बनाना पिता। The purpose of our life। और जो देश हमारे जीवन का। Is to be like you। वो है आपके जैसा बनना। And you have given us your word for that, Lord। और उसके लिए पिता परमेश्वर आपने अपना वचन हमें दिया। Teach us to live by it। हमें सिखाइए प्रभु कि उसके द्वारा अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। Bless this evening। इस शाम को आशीष करिए पिता। These words we spoken to our hearts। और ये जो वचन जो है पिता वो हमारे हृदयों से बात करें। The Holy Spirit would bring application। और पवित्र आत्मा इसको हमारे जीवन में लागू कर सके। Transform us। और हमें बदले पिता। To be more like you। ताकि हम और पिता परमेश्वर तेरे स्वरूप में ढलते जाए वही हमारी प्रार्थना है। In Jesus name we pray। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन। So we'll turn to scriptures, turn to 1 Corinthians 6:12. पहला कुरिन्थियों का 6 उसकी 12वीं आयत पढ़ेंगे। Okay, now how many of you make decisions in life every day? और कितने लोगों ने यहाँ पर हर रोज मर्रा की जिंदगी में अपने निर्णय लेते हैं? Like do you take decisions every day? क्या आप निर्णय लेते हैं हर रोज? This is something that we do on a daily basis. और ये कुछ ऐसी चीज है जो हम रोजमर्रा के जीवन में करते हैं। Most times in the Bible. और ज़्यादा बार बाइबल में you find how to do what is the right decision, what is the wrong decision. और आपको उसमें देख सकते हैं कि कौन सा सही निर्णय है और कौन सा बुरा निर्णय गलत। But many times in the scriptures. लेकिन कई बार वचन के अंदर God has given us His mind. यीशु मसीह ने अपना जैसे हमारा मन दिया है। But sometimes we have difficulty in making a decision. लेकिन कई बार हमें मुश्किल होती है कि हम निर्णय लेने में। As a Christian. एक मसीह होने के नाते It's easy for us to say what is right and what is wrong. ये बहुत ही साधारण सी बात है कि हम कह सकते हैं कि कौन सी चीज गलत है कौन सी चीज बुरी है। When you look at the Ten Commandments in Exodus chapter 20. और जब आप निर्गमन के 20वें अध्याय में जब देखते हैं 10 आज्ञाओं को। Then you know what is right, what is wrong, what you're supposed to do, what you're not supposed to do. कि कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है क्या आपको करना चाहिए क्या आपको नहीं करना चाहिए। The commandments don't change. और जो आज्ञा है वो नहीं बदलती। People change, लोग बदलते हैं। Generations change, और युगायुग बदलता है। But the commandments don't change. लेकिन जो आज्ञा है वो नहीं बदलती। This is the unique thing of the Bible. और ये एक अद्भुत बात है इस वचन। Whatever God has written, जो भी परमेश्वर ने लिखा है, that is for all generations. वो सारे युग के लिए है। It's not for a particular generation. It's for all generations. वो सिर्फ एक युग के लिए नहीं, वो सारे युगों के लिए। Now many times, और कई बार, we are used to rules. और हम जैसे नियम को फॉलो करते हैं।
We think the Bible is a rule book. और हम सोचते हैं कि जैसे जो बाइबल है वो एक जैसे नियम की किताब है. Bible is not a rule book. बाइबल जो है वो एक नियम की किताब नहीं है. It's a guide book. वो हमें रास्ता दिखाने वाली किताब. मार्गदर्शन की किताब. I just found that word. मार्गदर्शन. मार्गदर्शन दिखाने वाली किताब है. Sometimes we think that we live by the Bible. We are following rules. We are not. और कई बार होता है कि हम वचन के द्वारा जी रहे हैं. हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे एक नियम के पीछे चल रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है. But the Bible has principles. लेकिन बाइबल के अंदर कुछ सिद्धांत हैं. Which govern our life. और जो हमारे जीवन पर जैसे रूल करते हैं. Now, many times when we make a decision. और कई बार जब हम निर्णय लेते हैं. We want to know what is God's mind regarding it. हम जानना चाहते हैं कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है इस परिस्थिति में. So that we can take the right decision. ताकि हम सही निर्णय ले सकें. If I have a rule, अगर मेरे पास नियम हो, and if I don't find the rule, और अगर मुझे नियम ना मिले, then I can assume I can do this. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ. If God was to give us rules, अगर परमेश्वर हमें नियम देता, then we would have a good train, you know, मालगाड़ी, full of rules. तो ऐसा होता है everything in life. जैसे मालगाड़ी की तरह होता है, पूरा भरा हुआ है सामान का जीवन. Do this, do not, do this. ऐसा करो, ये नहीं करना, वो करना, ये करो. But God in His wisdom has given us principles. लेकिन परमेश्वर अपनी बुद्धिमत्ता में वो उसने हमें सिद्धांत दिए. When we understand principles, और जब हम सिद्धांतों को समझते हैं, it makes it easier for us to take decisions based for God. तो वो हमारे लिए आसान बना देता है कि हम परमेश्वर के लिए कैसे निर्णय ले सकते हैं. What is the principle and what is the rule? क्या सिद्धांत होते हैं और क्या रूल होता है? What's the difference between them? इन दोनों में क्या अंतर है? A rule basically forces you to obey, right? और जो नियम है वो हमें बताते हैं कि तुम्हें ये ऐसा काम करना ही है. It is written so that you would obey. वो इसलिए लिखा गया ताकि तुम उसकी आज्ञा का पालन करो ही करो. A prince, this is for outward confirmation, right? और जैसे भारी रूप से इसको जैसे दर्शाता है हमें. A principle, और जो सिद्धांत है, is internal motivation. वो अंदर की प्रेरणा है. For example, उदाहरण के तौर पर, in college, और कॉलेज में, my friends took me to a bar. और मेरा एक दोस्त था जो मुझे बार में लेके गया. नहीं, बहुत सारे थे. And they said, beer is not alcohol. और उन्होंने कहा जो बियर है वो जैसे नशीला पदार्थ नहीं. So they are teaching me rules. Beer is not alcohol. तो वो हमें नियम सिखा रहे थे जो बियर है वो अल्कोहल नहीं है, नशीला पदार्थ नहीं है. So if you have beer, you are actually not drinking. अगर आप बियर पी रहे हो तो आप दारू नहीं पी रहे एक्चुअली में. Okay. So what you know what I'm trying to say? Rules. You can have loopholes in rules. You can find a way out. और आप देख सकते हो नियम के अंदर छेद होते हैं, आप रास्ता ढूंढ सकते हो. So a rule in a sense, but a principle would say, I don't touch anything. That has intoxication or that has. और सिद्धांत हमें ऐसा कहता है कि हम ऐसी चीजों को नहीं छूते जिसमें कोई भी नशीला पदार्थ हो. Principles don't have loopholes. और उसके अंदर जैसे कोई छेद नहीं कि हम बच के निकल सके. Okay. For example. पर एक और उदाहरण. A rule can say no wearing certain type of clothes when coming to church. और नियम हमसे. I have a rule. और नियम जो कुछ इस तरीके से कह सकता है कि तुम्हें इस तरह के कपड़े नहीं पहनना है जब कलीसिया में आप आ रहे हो तो. When it's a principle, you say, I will not wear this because this will not glorify God. और सिद्धांत में सिद्धांत ये कहता है कि नहीं, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगा क्योंकि ये परमेश्वर को महिमा नहीं पहुंचाते. Many years ago, और कई साल पहले, there was a match between Australia and New Zealand. और एक क्रिकेट मैच चल रहा था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में. On the last ball. और आखिरी बॉल पर. Okay, this, I'm just giving an example on rules. और मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ एक नियम के. New Zealand had to score 4 runs to win. और न्यूजीलैंड को 4 रन बनाने हैं जीतने के लिए. So the Australian captain came up to the bowler. और जो ऑस्ट्रेलियन का जो कप्तान था वो आया बॉलर के पास. And he said something in his ear. उसके कान में कुछ फुसफुसाया और कहा. The bowler came. फिर बॉलर आया. On the last ball. आखिरी बॉल पर. He came and put the ball underarm. और उसने इसे बॉल इस तरीके से फेंका. That match is very well recorded in history because the guy bowled underarm so he could not hit a 4. और उसने बॉल इस तरीके से कराई ताकि वो चौवा ना मार पाए. Now. और अब. There was nothing in the rules against it. और लेकिन नियम में इसके कोई विरोध में नहीं है. There was nothing in the rules so they said, it's in the rules. We did as per the rules. और ये नियम में था तो मैंने नियम के अनुसार ऐसा किया. But the principle in the cricket, it's a gentleman's game. और ये सिद्धांत के रूप में अगर बात करें तो जैसे एक जेंटलमैन लोग का खेल है. There is manners, there is respect. और जैसे एक आदर करते हैं. We are fair with each other. और हम एक दूसरे का आदर करते हैं और सही मान्य मान. So the Australian team followed rules.
तो जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी वो क्या नियम के पीछे चलती थी? Nothing wrong in this rule. और इसमें कुछ भी बुरी बात नहीं है. There is no rule. कोई ऐसा नहीं. That says you can't bowl under arm. और ऐसा नहीं कह सकते आप इस तरीके से बॉल नहीं करा सकते. They were following the rule. और वो लोग जो थे वो नियम के पीछे चल रहे थे. When we look at the world system today, when you look at the world system today, पर अब जब हम संसार को देखते हैं, संसार के नियमों को देखते हैं, people are experts in making a loophole out of the rule. और लोग बहुत ही जैसे एकदम चतुर हैं कि कैसे हम इस छेद में से निकल के भाग जाएं. You read the newspaper, you see everyone is making frauds. Why? Because rule के अंदर एक loophole था, वो use कर लिया, तो कोई पकड़ा ही. और अखबार में हम जैसे इस खबरों को पढ़ते हैं कि बहुत लोग जैसे चूना लगा रहे हैं एक दूसरे को ताकि उसमें छेद से निकल के भाग जाए. You understood. That's important. I was trying to think, how will they understand? Chuna laga. Okay. But Paul teaches the Corinthian church in a way regarding principles. लेकिन पॉलस सिखाता है कोरिन्थियन की कलीसिया को कि कैसे सिद्धांत के पीछे चलना. Remember this church in Corinth. और याद रखिए ये जो कलीसिया थी कोरिन्थ में. Had every type of problem. उसके अंदर हर तरीके की समस्याएं थी. Money, पैसे की, God, परमेश्वर की, misusing God's name, वो परमेश्वर का जैसे wrong relationship, फालतू में इस्तेमाल कर रहे थे और गलत संबंध थे. Somebody said if you read the book of Corinthians, Paul corrects 95 problems in the church. अगर आप किसी ने कहा कि अगर आप पॉल इस कोरिन्थ की किताब को पढ़ेंगे तो करीब 95 ऐसी बातें थी, गलत बातें जिसको पॉलस उसको there is nothing going right in the church. उसके अंदर से कोई भी अच्छी बात नहीं हो रही. Brother is taking another brother to court. और एक भाई दूसरे भाई को जैसे लेके जा रहे थे मैरिंग होम दे वांट और जिसको चाहते हैं उससे शादी कर लेते हैं. सो पॉल टॉक्स टू देम अबाउट प्रिंसिपल्स हाउ टू मेक गॉडली डिसीजंस. तो वहां पर पॉलस जो है वो सिद्धांत की बात करता है कि कैसे आत्मिक निर्णय आप ले सकते हैं. एंड दैट्स गोइंग टू बी द टाइटल ऑफ द मैसेज. और ये जो है शीर्षक है हमारे आज के संदेश का, मेकिंग गॉडली डिसीजन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स नॉट रूल्स. ऐसे निर्णय लेना जो परमेश्वर के सिद्धांतों पर निर्भर करता है ना कि नियम पर. फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 12 और पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय. It says all things are lawful for me, but not all things are profitable. सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं. They are not all profitable. जो सारी चीजें हैं वो हमारे लाभ के लिए नहीं. Okay. Not profitable. What does he mean? और हमारे लाभ के लिए नहीं, इसका अर्थ क्या है? Now when you read the Greek, this is what it's trying to say. लेकिन जब आप यूनानी शब्द में पढ़ते हैं तो वो कुछ इस तरीके से कहना चाहता है. A person is on a journey. एक जो व्यक्ति जो सफर कर रहा है. And he's collecting whatever is good that will help him on that journey. और वो सब कुछ को इकट्ठा कर रहा है जो उसकी मदद करेगा उस सफर में. Actually the word expedition. He's on an expedition and he's collecting everything that will be good or helpful on the expedition. वो सारी चीजों को इकट्ठा कर रहा है जो उसके लिए भली के लिए उसको आगे उसकी मदद करेगी. So Paul says all things are lawful. और जो पौलुस है वो कह रहा है सब सारी वस्तुएं उचित हैं. But not all things are profitable. What does he mean? लेकिन सारी वस्तुएं लाभ की नहीं है, इसका क्या अर्थ है? All things are lawful, but there are certain things that are not going to be good for you on the journey. सब चीजें आपके लिए उचित है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपके लिए लाभ के लिए, जो आपके सफर के लिए सही नहीं है. As a Christian, और एक मसीह होने के नाते, simple believer, और जो एक साधारण विश्वासी, we have a goal and a purpose in our life. हमारे पास एक लक्ष्य होता है, जीवन में उद्देश्य होता है. Life is not just eating, partying, and having fun, and you know all those things. और जीवन सिर्फ हमारा जैसे कि खेलना, कूदना, पार्टी करना, सिर्फ ये नहीं होता है. Each Christian has a purpose. हर एक मसीह के पास एक उद्देश्य होता है. And the purpose for every believer is to be Christ-like. और जो उद्देश्य हर एक विश्वासी के लिए वो यीशु मसीह जैसा बनना. There is no exceptions. और यहाँ पे कोई चुनाव नहीं है. Sometimes people think to be Christ-like that is the job of pastors and missionaries and people in leadership. और कुछ लोग इस तरीके से सोचते हैं कि अगर यीशु मसीह जैसा बनना है वो तो अरे पास्टर का काम है, मिशनरी का काम है, इन लोगों का काम. We are simple believers. हम सिर्फ साधारण से विश्वासी. No, if you read the Bible, every believer is called to be Christ-like. लेकिन अगर वचन पढ़ेंगे तो हर विश्वासी को बोला गया है कि आप यीशु मसीह जैसे बनो. 1 John chapter 2 verse 6. और पहला योना का दूसरा अध्याय का छठवीं पंक्ति. Walk like he walked. वैसे चलो जैसे वो चला था, यीशु चला था. 1 Corinthians chapter 11 verse 1, be imitators of Christ. और पहला कुरिन्थियों का 11 उसकी पहली पंक्ति, यीशु मसीह की चाल को कॉपी करो, उसके तरह बनो. 1 Peter chapter 2 verse 21. और पहला कुरिन्थियों का पहला पत्रस और दूसरा 2:21. Christ suffered for you, leaving an example for you that you may
follow. यीशु आपके लिए पीड़ित हुआ उसने उदाहरण छोड़ा आपके लिए कि आप उसके पीछे चल सको. Ephesians chapter 5 verse 12 be you imitators of the Lord. और इफिसियों की किताब 5 में लिखा है कि जैसा परमेश्वर है उसकी तरह बनो उसकी तरह बनने की कोशिश करो. John chapter 13 verses 13 to 17. और योना का 13 का 17 से कहता है 13 से 17 where Jesus washes the feet of the disciples. जहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धो रहे होते हैं. He says, I have given you an example. अब वो कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए एक उदाहरण छोड़ा है. Just do as I have done. वो वैसा ही करो जैसे मैंने किया है. Other verses are in John chapter 14 verse 15. और योना के 14-15 आयत में. If you love me, keep my commandments. अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो. Galatians 3:27. और गलातियों का 3:27. Philippians 2:5. और फिलिपियों की किताब 2:27. 2:5. Romans 8:29. और रोमियो का 8:29. Why am I saying so many verses? मैं क्यों इतने वचनों को कह रहा हूँ? So that you know that you are supposed to be Christ-like. ताकि आपको ये पता चले कि आपको यीशु मसीह जैसा बनना है. If I want to be Christ-like, अगर मैं यीशु मसीह जैसा बनना चाहता हूँ, some things are not profitable. तो कुछ चीजें हैं जो लाभ की नहीं हैं. Not profitable. वो पहला बंदा है वो सारी चीजें जो हमारे लाभ के लिए नहीं हैं. To in, when you're making a decision, some things are not profitable. जब आप निर्णय ले रहे हो तो कुछ चीजें हैं जो आपके लाभ के लिए नहीं. It's good to do exercises. और ये बहुत अच्छी बात है कि आप कसरत करते हैं तो. Dumbbells. डंबल लगाते हैं. But if you're running a 100-meter race. लगा अगर 100 meter की आप अगर दौड़ रहे हैं. You don't carry dumbbells. तो आप डंबल लेके नहीं दौड़ते. Silly idea. ये बहुत ही खराब idea है. यह किसी काम का नहीं. That's what he's saying. तो वो यहीं पे जो कह रहा है. You are bound to, you want to be Christ-like. आपको यीशु मसीह जैसा बनना है. Then some things on this journey are not profitable. लेकिन कुछ ऐसी चीजें होंगी इस सफर में जो आपके लिए लाभ के लिए नहीं होगी. So when I want to make a decision, here's the first question I ask. और जब मैं पहला जब निर्णय लेना चाहता हूँ तो पहला सवाल कुछ ये पूछता हूँ मैं. Is this profitable? क्या ये मेरे लाभ के लिए है? Will this help me to become like Christ? क्या ये मेरी मदद करेगा कि मैं यीशु मसीह जैसा बन सकूंगा? Or will it become a burden? और क्या ये मेरे लिए एक बोझ बन जाएगा? Right. Some things in our life. कुछ चीजें हमारे जीवन में. Each one of us. हम सब के लिए. Are wrong. तो गलत है. We all go through it. और हम इन सब से गुजरते हैं. But we need to realize what is profitable and what is not profitable. लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि कौन सी चीज हमारे लिए लाभ के लिए और कौन सी चीज हमारे लाभ के लिए नहीं है. Are they good for me or they are just a waste of time in my life? और क्या वो हमारे लिए भलाई के लिए है और या सिर्फ मेरे समय को खराब कर रहे हैं? I have heard two Christian ladies speak. और मैंने दो मसीह स्त्रियों को एक दूसरे से बात करते हुए सुना. यहाँ से नहीं. They were discussing their favorite Hindi serial. और वो अपने फेवरेट हिंदी सीरियल जो आते हैं उसके बारे में कार्यक्रम के बारे में डिस्कशन और ये बातें कर रहे थे वो लोग. Yesterday in the serial. और कल इस सीरियल में that lady's mother-in-law उस स्त्री की जो सास थी was acting so wickedly. वो बहुत ही बुरे से थी. And her son was doing this. और उसका जो बेटा था वो ऐसे कर रहा है. मैं ऐसा सोच रहा हूँ अपने जीवन में. How is this going to be profitable to be like Christ? कैसे ये इनके लिए लाभ के लिए होगा कि वो यीशु मसीह बनेंगे? I'm not against entertainment or fun. मैं इसके विरुद्ध में नहीं हूँ कि आप आनंद करें या मजे करें. But if you are watching your favorite TV serial, लेकिन अगर आप पहला अपना सबसे अच्छा कार्यक्रम देख रहे हैं, here's the question to ask. तो ये एक सवाल है आप पूछ सकते हैं. Is this profitable for me to make me like Christ? क्या ये मेरे लिए लाभ के लायक है कि ये मुझे यीशु मसीह ऐसा बनाएगा? If it's not, अगर नहीं है, let it go. तो उसको आप छोड़ दीजिए. Right? Let it go. इसको जाने दीजिए. It's amazing. ये अद्भुत है. That as Christians, कि मसीह लोग जो we find time to watch serials like Big Boss. उनके पास समय होता है कि वो Big Boss जैसे कार्यक्रम को देखते हैं. Discuss about it. और उसके बारे में बातें भी करते हैं. It's a waste. ये एकदम मज़े आप. What's it going to teach you? क्या सिखाएगा वो आपको? Do all the wrong things in life. कि अपने जीवन में सारी गलत बातें करो. So that people will clap for you. ताकि लोग आपके लिए ताली बजाएं. One week later, no one remembers you. एक हफ्ते के बाद आपको वो याद भी नहीं रहेगा. Imagine wasting 1 hour every night watching that pathetic serial. सोचिए उसके बारे में कि रोज एक घंटा अपना बर्बाद करना उसके सीरियल को देखना और फिर बाद में उसके बारे में बात भी करना. देखा था क्या हुआ था? Sick. दिमाग खराब हो गया सर. बीमार है दिमाग में. खराब नहीं है, बीमार है इधर. Why? क्यों? What's my purpose? क्या उद्देश्य हमारा? To be Christ-like. ताकि हम यीशु मसीह जैसे बन सकें. I'm watching Big Boss. Will I become Christ-like?
अगर मैं बिग बॉस देखूंगा क्या मैं यीशु मसीह से बन जाऊंगा? Some of you, I'll give you an advance. I'm giving you advance notice now. मैं आपको पहले से बता देता हूं यहां पर. Some of you are going to get offended at me and during this message. इस संदेश में आप लोगों को बुरा लग सकता है कुछ लोगों को. उतने बुरा लग सकता नहीं लगने वाला है. आप में से कुछ लोगों को मैं जो बोलूंगा बुरा लगेगा. Guaranteed. But it's profitable for you. लेकिन ये आपके लाभ के लिए होगा. So if you're angry at me, no problem. अगर आप क्रोध करेंगे मेरे विरुद्ध में तो कोई बात नहीं. No problem. जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दें। I would rather have a one-hour conversation of what I read in the morning than what happened in Big Boss, right? और बिग बॉस के बारे में बात करने से अच्छी बात तो ये होगी ताकि जो मैं सुबह एक घंटे में जो पढ़ा उसके बारे में बात करें। I am not saying don't watch TV. Okay? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टीवी मत देखिए। There are good things to watch on TV. बहुत अच्छी चीजें भी आती हैं। But if something is not going to help me become Christ-like, I'm not going to watch it. लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरी मदद नहीं करेगी कि मैं यीशु मसीह जैसा बनूं तो मैं उसको नहीं देखूंगा। तो पहला सिद्धांत क्या था? Is it profitable for me? क्या ये मेरे लाभ के लिए है? Are you happy? क्या आप खुश हो अभी? Some of you already saying. और कितना बोलने वाला है? So what's the first point? तो पहला जो बंदा था क्या था? Is it profitable? या कि मेरे लाभदायक है नहीं? अभी जब मैं पूछूंगा तो आपको जवाब देना, okay? ये मेरे लिए लाभदायक है कि नहीं? That's the first point. Second. दूसरा. Same verse, 1 Corinthians 6:12. और उसी के. All things are lawful for me, but I will not become a slave to anything. सारी बातें नियम के अनुसार है बट मैं किसी चीज का गुलाम नहीं बनूंगा. Got the point? That's what Paul is saying. I will not become a slave of any. अब मैं गुलाम नहीं बनूंगा किसी का. In John chapter 8 verse 36, Jesus has set you free. और यीशु मसीह योना की किताब में हम देखते हैं कि उसके 8वें अध्याय उसकी 36वीं पंक्ति में यीशु मसीह ने आपको आजाद किया है. He set you free by his blood. उसने अपने लहू के साथ उसका आपको आजाद किया. And you have the opportunity to sin or not to sin. पर आपके पास ये अवसर है कि आप पाप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. He has set us free so that we do not sin. और उसने हमें आजाद इसलिए किया है ताकि हम पाप ना करें. Now we will. लेकिन हम करते हैं. Things happen. पाप होता है. But Christ has set us free. लेकिन यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है. So that you don't become a slave to anything else in life. ताकि आप किसी के गुलाम ना बने किसी और चीज. But you become a servant of Christ. ताकि पर आप एक दास बने यीशु मसीह के. What's the purpose? क्या है उद्देश्य था? To be like. किसके जैसा बनना है? To be like Christ. That's our purpose. यीशु मसीह जैसा बनना है. ऐसे ये उद्देश्य हमारा. But if anything is going to make me a slave, then I don't want it. लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो मुझे गुलाम बनाने वाली है, तो मुझे नहीं चाहिए. First question I ask is it profitable? Second, will I become its slave? और पहला जो सवाल मैंने पूछा वो ये था क्या ये मेरे लाभ के लिए है? और दूसरा ये है क्या मैं इसका गुलाम बनूंगा? I am not going to become a slave of money. और मैं गुलाम नहीं बनूंगा पैसे का. Money will not control my life. और जो पैसा है वो मेरे जीवन को नियंत्रण नहीं करेगा. I am not going to become a slave of entertainment. और मैं गुलाम नहीं बनूंगा कि मैं सारी जो मनोरंजन का. I am not going to become a slave to my friends. और मैं अपने दोस्तों का. My friendship will not enslave me. जो दोस्ती है वो मुझे गुलाम नहीं बनाएगी. Okay? What do I mean by that? क्या कहने का मतलब है? My friendship is more important than becoming Christ-like. So whatever my friend says, I will do it. मेरी दोस्ती. I'm not going to become a slave to my friendship. मेरी दोस्ती ज़्यादा महत्वपूर्ण है यीशु मसीह बनने से. अच्छा तुम नहीं, मैं वैसा नहीं करूँगा. I am not going to become a slave to TV. और मैं टीवी का गुलाम नहीं बनूंगा. I am not going to become a slave to my mobile phone. मैं अपने मोबाइल फोन का गुलाम नहीं बनूंगा. I am not going to become a slave to movies. और मैं जो मूवी है उसके गुलाम नहीं बनूंगा. I am not going to become a slave to pornography. और जो गंदी बातें हैं उसके मैं गुलाम नहीं बनूंगा. Not watching dirty things on the movie. और मैं गली गंदी जो I am not going to become a slave to those things. और मैं उसका गुलाम नहीं बनूंगा. If those things enslave me, then I cannot become like Christ. अगर वो चीजें मुझे गुलाम बना सकती है तो मैं यीशु मसीह ऐसा कभी नहीं बन सकता. Okay. Yes, an illustration. और यहाँ पर एक उदाहरण है. मैं यीशु मसीह जैसा बनना चाहता हूँ. I'm going on a journey. अब मैं एक सफर पर जा रहा हूँ. Now, और अब if I allow something
to enslave me. अगर मैं ऐसी चीजों को आने दो जो मुझे गुलाम गुलाम बना दे. Oh, whatever it is. How is this going to help me in my journey? और ये जो चीज है ये कैसे मेरी मदद करेगा मेरे सफर में? If अगर my friendships control me. मेरे दोस्ती मेरी मुझे अगर नियंत्रण करती है. मेरा जो संबंध है मुझे अगर नियंत्रण करता है. If I am a slave. अगर मैं गुलाम हूँ. To all the things of the world. इस संसार की चीजों के लिए. How can I follow Christ? तो कैसे मैं यीशु मसीह को पीछे चल सकता हूँ? How can I make decisions based on Christ? कैसे मैं निर्णय ले सकता हूँ यीशु मसीह के? How can I be more Christ-like? कैसे मैं यीशु मसीह के जैसा बन सकता हूँ? How is it difficult walking like this? क्या ये मुश्किल है ऐसे चलना? हाँ मुश्किल है. How can I entangle myself in the world? कैसे मैं अपने आप को जैसे बांध लूं चारों तरफ से इस संसार में? These things won't work. ये चीजें काम नहीं करती. If these things happen in my life, ये मेरे जीवन में हुई थी. If they enslave me, अगर वो मुझे गुलाम बना दे, I will not be a slave to sin. मैं गुलाम नहीं बनूंगा पाप का. Sin will not rule in my life. और जो पाप है वो मेरे जीवन पे नहीं राज करेगा. It's a difficult thing if I'm a slave to sin. और ये मुश्किल बात है अगर मैं एक गुलाम बन जाऊं पाप का. Sometimes, कई बार, I can give in to a habit. मैं एक ऐसी आदत लग सकती है. The habit is more important in my life than everything else. और जो आदत है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दुनिया के सब सारी चीजों से. I can't do without it. और मैं उसके बिना नहीं रह सकता. And if I am enslaved to it, अगर मैं उसका गुलाम बन जाऊं, then I cannot be Christ-like. तब मैं यीशु मसीह जैसा नहीं बन सकता. People get addicted to cigarettes, right? और लोग जो है उनको लत लग जाती है सिगरेट की. Without cigarettes, they can't do anything. और बगैर सिगरेट के वो कुछ भी नहीं कर सकते. सुबह उठते हैं वो स्मोक करते हैं. Before eating, want to smoke. खाने से पहले something, want to smoke. You become a slave of the cigarette. और आप जो गुलाम बन जाते हो सिगरेट के. Same things happens in friendships and relationships. और वही चीजें होती हैं दोस्ती में भी और संबंधों में. Same things happen with our mobile phones. Be careful. और वही हमारे फोन से भी होता है. Same things happen. वो चीजें होती हैं. If I become a slave to those things. अगर मैं एक गुलाम बनता हूँ सब चीजों का. Then I cannot be like Christ. तो मैं यीशु मसीह जैसा नहीं बन सकता. It's a hindrance. And what is Paul saying? और क्या पौलुस कह रहा है यहाँ पर? All things are lawful. सारी चीजें आपके नियम के लिए. Everything is good. आपके सब चीजें उतारती हैं. Will enslave you. Be careful. लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो आपको गुलाम बना रही हैं. क्यों? We have a purpose. क्योंकि उसका एक उद्देश्य है. To be Christ-like. कि यीशु मसीह जैसा बनना है. So when you want to take a decision, जब आप निर्णय लेना चाहते हो अगर आप. Here is a question to ask. तो ये सवाल है जो अपने आप से पूछ सकते हैं. Is this profitable for me? क्या ये मेरे लाभ के लिए है? Will this enslave me? क्या ये मुझे गुलाम बनाएगी? If it is answer is yes, अगर उसका उत्तर हाँ है, then I won't do it. तो मैं ऐसा कार्य नहीं करूँगा. Getting the point? आपको समझ में आया ये? Point three. Point बुंदा नंबर तीन. And this is in 1 Corinthians chapter 8 verse 1. और ये पहला कुरिन्थियों के 8 के और पहली आयत में लिखा है. We know we have all knowledge. हम जानते हैं कि हमारे पास सारा ज्ञान है. Knowledge puffs up, but love edifies. Now there are two points in the same thing. और ज्ञान जो हमें घमंड में लाता है, लेकिन जो प्रेम है वो में. Right. Romans chapter 14. और रोमियो का 14 अध्याय. Verse 13. उसकी 13वां पंक्ति. Let us not judge one another anymore. एक दूसरे को हम न्याय ना करें. But rather this. लेकिन ये करें. Not to become a stumbling block in a brother's life. और किसी भाई के जीवन में एक रुकावट का कारण ना बने. What is Paul trying to say in Romans chapter 14 verse 13? और यहाँ पे पौलुस क्या कहना चाहता है रोमियो के 14 उसकी 13वीं पंक्ति में? If I do something, अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ, that makes my brother or sister fall into sin, जो मेरे भाई को और मेरे बहन को पाप में गिरने की वजह से वो पाप में गिरते हैं और spiritually they fall, और आत्मिक रूप से वो गिर जाते हैं, then what I am doing is wrong. तो जो मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ. Not they. वो नहीं. What I am doing is wrong. जो मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ. And the verse says, therefore we do not judge. और यहाँ पर वचन कहता है इसलिए हम किसी का न्याय नहीं करते. We are not in the business of judging someone. और यहाँ पर ये हमारा काम नहीं कि हम एक दूसरे को न्याय करें. The Bible 14, chapter 14, verse 13 very clearly says. और यहाँ पर let us not judge one another anymore. जिस साफ तौर से ये वचन कहता है कि आइए हम किसी का न्याय ना करें. We are not judging what people are saying. We are not judging what people smoke. We don't judge what people live in their life. We are not judging them. हम न्याय नहीं कर रहे कि लोग सिगरेट पी रहे हैं या कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं. According to what the scripture says, लेकिन जहाँ पर वचन जो जैसा कह रहा है, do not become an obstacle or a stumbling block in a brother's way. आप अपने भाई के रास्ते पर एक रुकावट का कारण ना बने. For example, उदाहरण के तौर पर, you go soul winning. आप आत्मा जीतने जाते हो. And you go into a bar. और आप एक बार में जाते हो. You find a friend there. आपको वहाँ पर एक दोस्त मिलता है. अरे, gospel share करता. हाँ चलो आज इसको सुसमाचार बताता हूँ.
example. उदाहरण के तौर पर. Doesn't happen, but I'm giving an example. होता नहीं ऐसा, मतलब कई बार हो जाता है. And someone comes into that bar. और कोई वहाँ पर आता है, व्यक्ति देखता है तो. Oh, ये बार में बैठा pastor. अरे ये तो बार में देखता है pastor, देखिए. Goes home. और घर जाता है. Today tells his family, I am also going to the bar today. और आज मैं भी बार में जाऊंगा. Parents says, no, you are a Christian, you should not go to the bar. और माता पिता वो कह रहे हैं, नहीं नहीं हम क्रिश्चियन है, मसीह हम नहीं जाना चाहिए. देखा पास्टर भी बैठा था. अरे वहाँ पास्टर भी बैठा था हमारे कलीसिया का. Now, लेकिन अब what was my intention in going there? और मेरा जो क्या था, मेरा जो मकसद क्या था वहाँ पैसा करने का. I saw someone, I said, let me go and share. मैं देखा किसी को और but someone saw it. लेकिन किसी और ने देखा. What did they think? उन्हें क्या लगा? ये बार जाता. ये बाहर में गया था, मैं भी जाऊंगा. अरे पासवान जा सकता तो मैं क्यों नहीं. So now what have I become? तो अब मैं क्या बन गया? Stumbling block. और मैं एक रुकावट का कारण बन गया. मेरी वजह से किसी आत्मिक जीवन गिरने वाला है. Right? Correct? That's what it means. ये इसका अर्थ है. That's what Romans 14 verse 13 और यहाँ पे रोमियो का 14 और 13 वचन कहता है. Somebody is drinking. कोई दारू पी रहा है. Judge them. उसको आप न्याय मत करिए. But you don't become a cause where other people fall. लेकिन आप ऐसे व्यक्ति ना बने ताकि और दूसरे लोग आपके कारण गिरे. This happens in our homes. ये हमारे घर में होता है. This happens in our workplaces. ये हमारे जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ. This happens in our personal lives. और ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में. This is one thing that we need to be very careful of. ये एक ऐसी चीज है जिस पर हमें बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है. Your life is being witnessed by someone else. और आपका जीवन है. जीवन जो है आप एक देख रहा है, दूसरे लोग देख रहे हैं आपके जीवन को, और आपके जीवन को लोग देख रहे हैं. और कोई भी जो देख रहा है वो एक बच्चा हो सकता है, या एक अविश्वासी हो सकता है जो आपके घर से, या आपका एक दोस्त हो सकता है, या आपके काम करने वाला साथी हो सकता है. और जो आप करोगे उसको वो भी करना चालू कर देंगे. सिंपल साधारण. I am a believer. मैं एक विश्वासी हूँ. I live my life so that I don't become a stumbling block to someone else. मैं ऐसा जीवन जीता हूँ ताकि मैं किसी के लिए गिरने का कारण ना बनूँ. I can be good in church. मैं कलीसिया में बहुत अच्छा हो सकता हूँ. I can be watching movies all the time in my house. और हो सकता है कि मैं घर में पूरे समय पर मैं सिर्फ पिक्चर ही देख रहा हूँ. If my children or my family is watching it. अगर मेरा परिवार और मेरे बच्चे देख रहे हैं. You know what they will think? तो उन्हें क्या लगेगा? It's okay to go to church and come home and watch movies. ये अरे साधारण बात है. कलीसिया जाओ, घर पे आओ, पिक्चर देखते हैं. If I say I can drink a little bit, the Bible does says do not get drunk. और वचन कहता है कि आप पियो मत. मतलब नशे में मत. Don't get drunk. और नशे में मत रहो. Which means? जिसका अर्थ है. थोड़ा सा पी सकते हो. अरे थोड़ा सा ले लेंगे. तो बाइबल में किधर लिखा है? Don't touch. क्योंकि बाइबल में पूरी तरीके से लिखा है कुछ छूना भी मत. Is it written? क्या लिखा है? नहीं है. नहीं लिखा है. So it says don't get drunk. तो इसलिए कहा नशे में मत होना. That means I can drink little. इसका मतलब है थोड़ा सा ले सकते हैं. Control. थोड़ा सा नियंत्रण में ले लेंगे. नियंत्रण में रहेंगे. That's the problem. तो ये एक समस्या है. Drinking heavily is not the problem. अगर आप पूरा अगर आप नहीं नशे में बहुत शराब पीना प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़ा पीना ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है. You know why? कहने का मतलब क्या है? Your life is an influence. आपका जीवन जो है किसी पर प्रभाव पड़ता है. Somebody is watching. कोई ना कोई देख रहा है. You need to be an example. और आपको एक उदाहरण बनना है. When you're taking a decision. और जब आप निर्णय ले रहे हैं. This is how you think. तो इस तरीके से आप सोचते हैं. When I take this decision. जब मैं निर्णय लेता हूँ. If somebody sees it or realizes it. अगर कोई मुझे देखता है और उसको. Will it become a stumbling block in their life? क्या ये जो बात है लोगों के लिए एक रुकावट का कारण बनेगा? If it is, अगर वो बनता है, then I won't do it. तो मैं ऐसा नहीं करूंगा. I am in an office. मैं ऑफिस में हूँ. And somebody comes and offers me something offered to an idol. और कुछ ऐसी कोई व्यक्ति आता है जो एक मूर्ति के आगे रखी गई वो मुझे देता है. This is, it's prasad habit. और ये प्रसाद है, ले. As per my belief, I'm not supposed to eat. और मेरे विश्वास के कारण मैं इसको मुझे नहीं लेना चाहिए. The scripture says. क्योंकि ये वचन में लिखा है. But if I do it. लेकिन अगर मैं ले लेता हूँ. What are other people, other believers thinking? तो दूसरे विश्वासी क्या सोचेंगे? ये ले सकता तो मैं भी ले सकता हूँ. And then there is no end to it. तब उसका कोई अंत नहीं.
then there is no end. Everyone will justify it. सब लोग जो हैं वो कहेंगे But who was the cause of the stumbling block? लेकिन कौन व्यक्ति था जो गिरने का कारण बना? Me. मैं. I don't judge the other person. मैं दूसरे को न्याय नहीं करता. But I became a stumbling block. लेकिन मैं एक रुकावट का कारण. So when I want to make a decision. तो जब मैं निर्णय लेना चाहता हूँ. First question I ask is what? पहला सवाल जो मैं पूछता हूँ वो ये. Is it profitable? क्या ये मेरे लाभ के लिए? Is it going to be profitable to make me like Christ? क्या ये मेरे लाभ के लिए और मुझे यीशु मसीह जैसा बनाएगा? Second. दूसरी बात. Is it going to enslave me? क्या ये मुझे गुलाम बनाने वाला है? Or it'll make me a servant of Christ. या फिर मुझे एक दास बनाने वाला यीशु मसीह का. Third. तीसरी बात. Will it be a stumbling block? क्या मैं एक गिरने का कारण बनूंगा? किसी और के आत्मिक जीवन में गिरने का कारण बनने वाला हूँ? हाँ, तो भी मैं नहीं करूँगा. I won't do it. Simple. तब मैं नहीं करूँगा. Scripture is saying it. यहाँ पे ये वचन कह रहा है. Scripture is saying it. Okay. Fourth. चौथी बात. First Corinthians chapter 10. पहला कुरिन्थियों का दसवां अध्याय. Verse 23. उसकी तेईसवीं पंक्ति. Are you in First Corinthians chapter 10? क्या आप पहले कुरिन्थियों 10 अध्याय पर हैं? Verse 23. उसकी तेईसवीं पंक्ति पर. This is what it says. तो यहाँ पे ये लिखा है. All things are lawful. सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं. तो हो गया. 6:12 में भी यही बोला था. अरे अभी तो वही पढ़ा था हमने पिछले. But not all things are profitable. अभी तो पढ़ा था ये. परंतु सब लाभ के लिए नहीं. But this is the second part is different than 6:12. लेकिन जो दूसरा भाग है उसका वो थोड़ा अलग है. All things are lawful, but not all things edify. सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं से उन्नति नहीं. You know what the word edify means? और यहाँ पे जो उन्नति का शब्द इसका क्या अर्थ है? आपको build up. आपको बनाए, बढ़ाए. प्रोत्साहित करता है. It's the word for building, edifice, building. और जैसे एक building का शब्द के लिए शब्द इस्तेमाल. So what I do is it building up someone or tearing someone down? और जो मैं करता हूँ क्या वो किसी को बना रहा है क्या गिरा रहा है? Okay, is it making a building or is it destroying a building? या उसको बना रहा है building को या गिरा रहा है उसे? In my life. मेरे जीवन में. I have positive influence on people and I have negative influence on people. और मेरे पर एक सकारात्मक जो है एक प्रभाव है और नकारात्मक एक प्रभाव है. करेक्ट. बट डू आई एडिफाई इज द क्वेश्चन. लेकिन क्या ये मैं उचित करता हूँ? नाउ अभी वी आर नॉट अगेंस्ट फन बाय द वे. पर हम जैसे मौज मस्ती खेलने कूदने के हम विरुद्ध नहीं है. ओके, वी आर नॉट अगेंस्ट फन. You come for one of our camps, we'll show you how crazy we are. और अगर हमारे कैंप में आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि हम कितने बड़े पागल हैं. Like we are very competitive. पर हम जैसे जीतना चाहते हैं. और जीतने के लिए हम लोग कुछ भी करें. Points भी mark change कर देते हैं. No, I'm judging now. No, okay. But I'm trying to. There's a reason why I'm saying this. और एक उद्देश्य है क्यों मैं कह रहा हूँ. Don't think this message is to say, oh, stop doing everything and become a sadhu. That's not the message. और इस संदेश को ऐसे मत लीजिए कि आप सब कुछ को करना बंद कर दो. नहीं नहीं. But there's a reason. लेकिन एक यहाँ पर एक कारण है. यीशु मसीह का उद्देश्य है वो यीशु मसीह जैसा बनना है. Here's the question to ask. और यहाँ पर सवाल है जो आप पूछ सकते हैं. Does this thing edify? क्या ये जो चीज है ये मेरी उन्नति के लिए है? या प्रोत्साहित करती है उन्नति के लिए? Is does this edify? क्या ये मुझे प्रोत्साहन पहुंचाती है? Now you take this principle. और आप इस सिद्धांत को लीजिए. And apply it to a conversation. और एक जो बातचीत चल रही है उस पर आप लागू करिए. We are having a conversation. और हम लोग के बीच में बातचीत चल रही है. और यहाँ पर एक सोच है. Is this conversation edifying? क्या जो मैं बात कर रहा हूँ ये मेरे मुझे उत्तेजित कर रही है, प्रोत्साहन कर रही है, उन्नति मिल रही है? If it is not, अगर नहीं मिल रही है, तो मुंह को बंद कर लीजिए. Walk away. और दूर चले जाइए. Walk away. Is this edifying me? क्या ये मेरे लिए उन्नति के लिए? Oh, this person keeps talking. Is it edifying me? अरे ये व्यक्ति बहुत बात करता रहता है, क्या ये मेरे उन्नति के लिए? No. नहीं. Get up, go. चुप रहो और चले जाओ. Nothing, no problem. वो इसमें समस्या नहीं. Apply the same. और इसको लागू करिए. For your friendship. आपकी दोस्ती पर भी. Is my friendship with anyone, is this edifying me? क्या मेरी जो दोस्ती है किसी के साथ में वो मेरे लिए उन्नति के लिए है? Now. अब. We change the position. हम जगह को बदल, स्थान को बदल लेते हैं. Am I edifying in the friendship? क्या मैं दूसरे के लिए उन्नति का कारण बन रहा हूँ? Am I building the other person up? क्या मैं दूसरे व्यक्ति को बना रहा हूँ? क्या मैं उसकी उन्नति के लिए दोस्ती कर रहा हूँ? Is my conversation, is it edifying him? क्या ये मुझे उसको, क्या उसको उन्नति दे रहा है? मेरी बातचीत इसके साथ क्या इसकी उन्नति हो रही है उसमें? क्या उसको प्रोत्साहन मिल रहा है उसमें? It's easy from when you're thinking the other side. और ये साधारण है कि हम जब दूसरी ओर से सोचते हैं. अरे इसके साथ रहने के तो कुछ फायदा नहीं है. But think, being with you
is someone else getting edified? क्या आपके साथ जो व्यक्ति है उसको उन्नति मिल रही है? This message is personal, not for others, by the way. और ये जो वचन है ये व्यक्ति के तौर पर आपके लिए है, अपने लिए, मेरे लिए. Same thing. और वही. When you are watching something. जब आप कुछ देख रहे हैं. When you are reading something. या कुछ आप पढ़ रहे हैं. Is it edifying or no? Apply this test. क्या ये मेरे उचित के लिए है या मुझे बढ़ा रहा है, बना रहा है, इसके लिए प्रोत्साहन दे रहा है, मुझे प्रोत्साहन दे रहा है. If the answer is no, अगर उत्तर है उसका नहीं, then don't do it. तो आप वो मत करिए. Is it all things are lawful, Paul says, but not everything edifies. सारी चीजें आपके लिए उचित है, लेकिन सारी बातें जो है वो आपकी उन्नति के लिए नहीं. Is what is my conversation, my friendship, does it draw me to God or takes me away from God? और जो मैं बात कर रहा हूँ, बातचीत चल रही है, जो मेरी दोस्ती है, क्या मैं परमेश्वर के और नजदीक आ रहा हूँ या परमेश्वर से और दूर जा रहा हूँ? Now in your mind think like this. Do you love to be around certain people? आप अपने दिमाग में मन में सोचिए, क्या आपको ये पसंद है कुछ लोगों के साथ में रहना? You like to be around certain, every one of us like to be around certain people. और हम सब लोगों को पसंद है कि हम किस लोगों के पास हम रहना पसंद करते हैं. After being with them, I feel good. क्योंकि उसके साथ रहने से मुझे अच्छा लगता है. And there are some people in our life we don't like to be around. और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके साथ नहीं समय बिताना चाहते. Let's be honest, we all have those people in our life, right? इसके संग जाएगा तो दूर रहो. Correct? We all have like these people in our life. और ऐसे वे लोग हैं हमारे जीवन में. Same thing people think about you also. और वही चीज दूसरे लोग भी आपके बारे में सोचते हैं. Some people love to be around you. कुछ लोग पसंद करते हैं आपके साथ रहना. And some people don't like to be around. और कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं. You know what the reason is? जानते हैं कारण क्या है? They are not edified. उन्हें जो है प्रसन्न नहीं. It's not about what personality you have. If they are not edified around you, they will not stay around you. और इसका मतलब ये, अगर आप उन्नति नहीं मिले तो आपके पास नहीं आएंगे. आपके जीवन से अगर उनको लाभ नहीं मिल रहा है, आपके जीवन से उनको उन्नति नहीं मिल रही, आपके जीवन से उनको प्रोत्साहन नहीं मिल रहा, तो आपके आसपास नहीं आएंगे. That's the real truth. और ये एक सच्ची सच्चाई. It's not मैं किस कैसा व्यक्ति हूँ, क्या है, नहीं, nothing has got to do with that. If your life does not edify, people will not be around you. अगर आपका जीवन किसी और के लिए लाभ के लिए नहीं है, उन्नति के लिए नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति आपसे दूर ही रहेगा. Think about the life of Christ. और सोचिए यीशु मसीह के जीवन के बारे में. He was same to everyone. वो सबके साथ एक जैसा था. Truth. सच्चाई. Grace. अनुग्रह. Different people took it in different ways. और दूसरे लोग दूसरे तरीकों से. Wherever he met someone, the change happened. और जब भी वो किसी से मिले, कुछ ना कुछ बदलाव वहाँ पर जरूर. Some would say yes, you are right, and they would say we'll follow you. और किसी ने कहा कि हाँ आप सही कह रहे हो, मैं आपके पीछे चलूँगा. Some did not like what he said and they walked away. और कई लोगों को वो पसंद नहीं आया तो चबार चले गए. If you are around Christ, definitely your life would change. लेकिन अगर आप यीशु मसीह के आसपास होते तो आपका जीवन बदल जाता. Definitely you would be edified. पर आपको उन्नति मिलती, आपको लाभ होता. He would come and say, son. वो कहता है पुत्र. आपको अच्छा लगता. आप ये आपकी उन्नति मिलती है. Why do you think Peter went back to him? क्या लगता है क्यों पत्रस के पास वापस आ गया? After his denial, he called him little children. उसको नकारने के बाद भी उसके पास यीशु मसीह उसको वापस आता है, कहता है कि तुम छोटे बच्चे, उसे उन्नति दे रहा, उसे प्रसाद कर रहा, क्या तुम उसे प्रेम करते हो? My sheep. मेरे भेड़ों को. He's edifying. और वहाँ पे after he falls, उसे उन्नति के लिए बढ़ा रहा है, उसको गिरने के बाद भी. He comes to the disciples who are forsaken at the cross, and what is he saying? My peace I give to you. He's edifying them. वो चेलों के पास आता है जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर छोड़ दिया था, उन्होंने कहा था मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं. This is a prayer that I read somewhere and I said this is I want to pray this prayer. और ये प्रार्थना जो मैंने पढ़ी थी और मैंने निर्णय लिया कि मैं इसी से ऐसी प्रार्थना करना चाहता हूं. I think it is W. A. Criswell, a Baptist pastor, who put this up. और ये बैप्टिस्ट के एक पासवान थे जिन्होंने ये लिखा. He said I want to be that kind of a person. मैं ऐसा एक व्यक्ति बनना चाहता हूं. That's when somebody is around me. कि जब कोई भी व्यक्ति मेरे आसपास हो. And leaves me. And when they go away, और जब वो मुझे छोड़ के जाते हैं, they begin to love Jesus a little more. ताकि वो और वो यीशु मसीह से प्रेम करना और सीख जाएं. Like मेरे आसपास रहने के बाद जब वो मुझे छोड़ के अपने घर की ओर जा रहे हैं, तो यीशु मसीह से और प्रेम करने लग जाते हैं. मेरे जीवन की वजह से. What I have edified. That's what he's saying here. और यहाँ पे ये कह रहा है. All things do not edify. और सारी चीजें जो है वो लाभ के लिए होती, के लिए नहीं होती. The decision that I take, will it encourage me? जो निर्णय मैं लेता हूँ, क्या वो मेरे प्रोत्साहन करेगा? Will it build me up? क्या वो मुझे बनाएगा, आगे बढ़ाएगा? Will it make me fall in love with Jesus little more? क्या ये मुझे और यीशु मसीह को प्रेम करने में बढ़ाएगा? अगर नहीं, then I stay away from it. तो मैं उस चीज से दूर रहता हूँ. If it's a friendship, I will stay away from it. अगर वो दोस्ती है तो मैं दूर रहता हूँ. If it's a relationship, I will stay away from it. अगर कोई संबंध है तो मैं दूर रहता हूँ. And you have to be careful with your friends. और आपको ये बहुत ही चकित रहना अपने दोस्तों के साथ. And the same thing, by the way, applies in the families.
things too. और जो ये चीज़ जो है परिवार में भी लागू होती है. It is applicable to a father, mother, husband, wife, brother, sister, everyone. This is applicable to everyone. और ये जो चीज़ है ये सब पर लागू होती है. I am not saying if it doesn't edify then leave your home and go. अगर इसका मतलब ये नहीं है अगर आप आप लाभ नहीं मिलते अपना घर छोड़ दो. No, what I am trying to say is, will it help? मैं जो ये कहना चाहता हूँ क्या ये आपकी मदद करेगा? I am deciding. ये मुझे निर्णय लेना है. I am deciding. मुझे I want to be that person. मैं वो व्यक्ति बनना चाहता हूँ. And when somebody stops and leaves and goes away. और ताकि जो कुछ मुझसे मिलता है और वापस जाता है. They want to love Jesus more. वो यीशु मसीह को और प्रेम करने लगे. My decision making. मेरा निर्णय लेना. I ask this question. मैं ये सवाल पूछता हूँ. Is it profitable? क्या ये लाभ के लिए है? Will it enslave me? क्या ये मुझे गुलाम बनाएगा? Example. क्या ये उदाहरण बनेगा? And then this one. और फिर ये. Does it edify? क्या ये मुझे उन्नति देगा? Does somebody get encouraged by the decision? क्या इस निर्णय के द्वारा किसी और को प्रोत्साहन मिलेगा? क्या ये किसी के लिए आशीष का कारण Not बनेगा? To please people, but to bless someone, to become like Christ. लोगों को खुश करने के लिए लेकिन उनको आशीर्वाद करने के लिए ताकि वो यीशु मसीह के जैसा बन सके. Then I take the decision. तब मैं निर्णय लेता हूं. Does it edify? तब मैं वो लोगों Fifth. और पांचवी बात. Verse 31. और उसकी 31वीं पंक्ति. Whether you eat or drink, whatever you do to the glory of God. इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो. Here's the fifth point. और यहाँ पे पांचवा पॉइंट है. Does it glorify God? क्या ये परमेश्वर की महिमा के लिए है? Who? This is a tough one. ये कठिन है. This is a tough one. ये बहुत कठिन है. Whatever I am doing. जो कुछ भी मैं करता हूँ, whatever decision I'm taking, जो कुछ निर्णय मैं लेता हूँ, does it glorify God? क्या वो निर्णय परमेश्वर की महिमा करता है? If it doesn't, अगर वो नहीं करता, don't do it. तो आप मत करिए. As simple as that. साधारण रूप से ये बात है. If it does not glorify God, don't do it. अगर ये परमेश्वर की महिमा नहीं करता, तो आप इस बात को मत करिए. If it glorifies Jesus, I will do it. If it does not glorify Jesus, I will not do it. अगर यीशु मसीह को महिमा इससे मिलती है, तो मैं करूँगा. अगर यीशु मसीह को महिमा नहीं मिलती है, तो मैं नहीं करूँगा. But who will tell me? लेकिन कौन मुझे बताएगा? Holy Spirit. पवित्र आत्मा. Is given to you. वो आपको दी गई है. To help you. आपकी मदद करने के लिए. Make a decision. ताकि आप निर्णय ले सकें. Can you imagine? क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं? If Jesus was standing right next to you. अगर यीशु मसीह आपके पास में खड़ा होता. Flesh and blood. और उसके पास जैसे शरीर है उसका लहू है. Jesus became a man and he's standing next to you. और एक व्यक्ति के रूप में वो आपके बगल में खड़ा हुआ है. Would you do some things that you do? क्या कुछ चीजें आप ऐसे करोगे जो आप करते हो? This brings you to a point, right? और ये जो चीजें आपको एक पॉइंट पर लेकर आती है. When we go certain places where we should not go. हम जब हम ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए. Would you tell Jesus, I am going there, but you stay outside, please. This is not. क्या आप ऐसा कहते हो यीशु मसीह से? मैं वहाँ पे जा रहा हूँ यीशु मसीह आप. Jesus, I'm going to watch something, but you close your eyes. मैं कुछ देखने जा रहा हूँ यीशु मसीह आप अपनी आँख बंद कर दो. Right? Can you imagine how many times we grieve the Holy Spirit? क्या आपको पता है कि कितनी बार पवित्र आत्मा को आपने शोकित किया? I'm going to say something now. Jesus, close your ears. मैं यीशु मसीह कुछ कहने वाला हूँ अपने कान बंद कर लीजिए. Some grammar is going to come out of my mouth. और कुछ मैं भजन बोलने वाला हूँ. Can you imagine that? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? So much of our conversation and things we do, if Jesus was present right with us in flesh and blood, we would not do it. और कुछ चीजें जो हम करते हैं, अगर यीशु मसीह मेरे पास खड़ा होता, तो वो चीजें हम नहीं करते. Why am I saying this? क्यों मैं कह रहा हूँ? We all do it. क्योंकि हम सब करते हैं. Sorry. माफ करना माफ चाहिए. Does it glorify God? क्या ये परमेश्वर को महिमा देता है? If it does not glorify God, अगर ये परमेश्वर को महिमा नहीं देता, I don't want to do it. तो मैं इसको नहीं करना चाहता. I am not talking about perfection. मैं यहाँ पे सिद्धता के बारे में बात नहीं कर रहा. I'm talking about being Christ-like. मैं बात कर रहा हूँ यीशु मसीह जैसे बनने के. Paul lays down these principles for us. और ये पौलुस जो है ये सिद्धांतों को लिखता है हमारे लिए. These are internal motivation. और ये हमारे अंदर की प्रेरणा के लिए. This is not for outwardly. ये बाहरी रूप से के लिए नहीं. I will do like this. No, no, that's not. कि मैं ऐसे करूँ नहीं. ये हमारे अंदरी रूप की प्रेरणा के लिए. These are things that you have made up in your mind that you will not change. ये चीजें आपने अपने मन में ठान रखी है कि आप ऐसे नहीं करोगे. If it's glorifying God, I'll do it. I will not do it. अगर ये परमेश्वर को महिमा लाती है, तो मैं करूँगा, वरना नहीं करूँगा. I mean, Jesus is not here. I'll ask sorry, but my friend will feel upset, so let's do it. Jesus is not here. यीशु मसीह यहाँ पर नहीं है. But my friend wants it, so I'll do it. लेकिन मेरा दोस्त चाहता है ऐसा करो तो मैं करूंगा. मैं बाद में कह दूंगा अरे परमेश्वर मुझे माफ करिएगा. You're grieving the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं. That's it.
यही कर रहा है. You think by pleasing a man or a woman or grieving God that you are going to be given a reward for it? आप सोचते हैं कि किसी मनुष्य को खुश करना या किसी व्यक्ति का किसी स्त्री को और परमेश्वर को शोकित करना उस आपके लिए लाभदायक होगा? Please, this is not for condemnation. This is for a building up. ये आपके आपके ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं है, ये आपको बढ़ाने के लिए है. 1 Corinthians 6:19-20 says, "Remember, you've been purchased by the blood of Christ." पहला कुरिन्थियन 6:19 कहता है कि याद रखिए इस बात को कि आपको खरीदा गया है यीशु मसीह के कीमती लहू से. पहले कुरिन्थियन 6:19-20, "You are the temple. Your body is a temple of the Holy Spirit." पहला कुरिन्थियन 6:19 में लिखा है, 20 में लिखा है कि आपका जो देह है वो परमेश्वर का मंदिर है. With a price. और आपको एक मूल देकर खरीदा गया है. The price is his blood. और जो मूल था वो था उसका लहू. So if it glorifies God, अगर ये परमेश्वर की महिमा देता है, then I'll do it. तब मैं करूंगा. If it does not glorify God, अगर नहीं करता है, I'm going to stay away from it. तो मैं इस चीज से दूर रहूंगा. Right? Yes or no? हाँ या ना? Good. What's the first point that you thought? तो पहला बुंदा क्या था? Is it profitable or not? क्या ये मेरे लाभ के लिए होगा कि नहीं? Second. दूसरा. Will I become its slave or not? Correct. क्या मैं एक गुलाम बनूंगा या नहीं? Third. तीसरा. Will I be a stumble? क्या मैं एक किसी के गिरने गिरावट के कारण बनूंगा? Fourth. चौथा. Does it edify? Fifth. क्या ये मेरे उन्नति के लिए होगा? Does it glorify? क्या ये महिमा के लिए होगा? छठवां बंदा. Is in verse 33. और ये 23वीं पंक्ति. Just as I also please all men in all things, not seeking my own profit, but the profit of many, so that they may be saved. जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाएं. What's he saying? और यहाँ पे क्या कह रहा है? This is speaking about soul winning. और यहाँ पर आत्मा जीतने के बारे में बात कर रहा है. Paul is saying here. और यहाँ पे पौलुस कह रहा है. I am not going to do anything. मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करने वाला. That will stop another person who is watching me. And जो रोक देगा ऐसे व्यक्ति को जो मुझे देख रहा है. He will look at me and say, "Hey, yeah, Vishwasi Christian, ऐसे होते हैं. I don't want to become a Christian." अरे अगर ये मसीह लोग ऐसे होते हैं, मैं ऐसा नहीं करूँगा. That's what he's saying. और ये यहाँ पे. I am not going to do anything that will stop a person watching my life. Will say, "I don't want to become a Christian." मैं ऐसी चीज कोई चीज नहीं करूँगा जो अगर व्यक्ति कोई और मुझे देख रहा है वो चीज करते हुए वो कहेगा नहीं मैं इसके जैसा नहीं बना ये काम नहीं करना चाहता. He's saying by my life. कहता है मेरे जीवन के द्वारा. Paul is saying by watching my life. मेरे जीवन को देखते हुए. Anyone who watches, they want to be like Christ. अगर कोई और मुझे मेरे जीवन को देख रहा है वो ये चाहे अपने जीवन में कि वो यीशु मसीह जैसा बनना चाहता है. 11:1. That's why in chapter 11 verse 1 he says, "Be imitators of me, just as I also am of Christ." इसी मारे 11वें अध्याय में इसके पहले वचन में लिखा है, तुम मेरी सी चाल चला चला जैसा चला करो जैसे मसीह की मैं चाल चलता हूं. When you read the context, you know what he says. अगर आप इसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो क्या? The way I dress. जिस तरीके से मैं पहनाव पहनता हूँ. The way I speak. जिस तरीके से मैं बातचीत करता हूँ. The way I relate with people. जिस तरीके से मैं लोगों से मिलता हूँ. The way I live. जिस तरीके से मैं जीवन व्यतीत करता हूँ. I will live in such a way so that others looking at me say, "We want to follow His God." मैं ऐसे जीवन ऐसा जीवन जीऊंगा कि ताकि जो लोग देखें वो ये कहें कि मैं अभी इसके परमेश्वर को जानना चाहता हूँ. If I am worried all the time. अगर मैं हर समय चिंता कर रहा हूँ. Somebody says you are a Christian. अरे आप मसीह हो? So Christians worry all the time. और मसीह हमेशा चिंता करते रहते हैं. They don't want to be like me. वो मेरे जैसा नहीं बनना चाहते. If I am moody all the time, one day I'm happy, one day I'm sad, one day I'm angry with you all the time. मीठे होते हैं थोड़ी देर के खट्टे हो जाते हैं फिर कड़वे होते हैं फिर वापस मीठे हो जाते हैं मूड में ऊपर नीचे बोलने में. And they are like this. That means we'll also be like this. We don't want this life. इसी मारे पौलुस और पत्रस कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे मसीह जीवन अगर ऐसा जी रहा है जो अर्थ में मोटी है लोग देखेंगे
दूसरा हमारे जीवन को कहेंगे मैं इसके जैसा नहीं बनना चाहता हूं समटाइम्स वी कैन क्रैक डर्टी जोक्स टू बिकम पॉपुलर और कई बार जो होते हैं हम गंदे मजाक कर right? सकते हैं पॉपुलर करने के लिए बोल देता है सब लोग हंसेंगे सब लोग मेरे को बोलेंगे यार क्या जोक बोलते हैं मस्त जोक समटाइम्स आई कैन मेक फन ऑफ अदर्स सो दैट आई बिकम पॉपुलर कई बार लोगों का मजाक right? करता ताकि मैं पॉपुलर बन जाऊं इफ समवन लुक्स इट अगर तो मुझे देखता है अगर इस तरीके के मसीह लोग होते हैं मैं ऐसा नहीं बनना चाहता हूँ मैं इस तरीके से नहीं बनना चाहता हूँ वही कह रहा है मैं वैसा नहीं बनना चाहता हूँ मेरा जीवन आफ्टर वॉचिंग इट लोग अगर देख रहे हैं समबडी वुड से या वो ये कहना चाहिए उन्हें व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ इस जीवन का क्या रहस्य है शेयर विद फिर उसके साथ बांटिए सुसमाचार बांटिए मैं जानना चाहता हूँ Because to many people, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए they will never read the Bible. वो कभी भी बाइबल को नहीं पढ़ेंगे they will read you. वो आपके जीवन को पढ़ते right? हैं Remember that statement somebody said, you are the fifth gospel. तो पता है किसी ने कहा था right? कि आप पांचवें सुसमाचार की किताब है There is Matthew, Mark, Luke, John, and then there are you. और फिर आप वो किताब Because no, sometimes people will not even read the Bible, but they will look at your life and read you. And if they read you, they find Christ and they want you. कई बार जो है वो सुसमाचार इस किताब को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो आपके जीवन को पढ़ेंगे और आपके जीवन जैसा यीशु मसीह जैसा बनना चाहेंगे. Example, but evangelism, soul winning. और आत्मा जीतना. Is my life? क्या मेरा जीवन? By the decisions I make. जो निर्णय मैं लेता हूँ. Draw someone to Christ or no? क्या मैं किसी को मसीह के पास लेकर आता हूँ या If नहीं? It does not, अगर नहीं, then I won't do it. तो मैं वो कार्य नहीं करूँगा. I won't do it. मैं वो नहीं करूँगा. Why? क्यों? Because if he's going to turn the person away from Christ, then I won't do it. क्योंकि वो अगर वो ये चीज यीशु मसीह से दूर ले जाएगी उस व्यक्ति को, तो मैं वो काम नहीं करूँगा. Remember this: we don't become good by behaving well. By behaving good, you know, I become good by if I have good behavior. No, इस बात को याद रखिए. Because I trust Jesus Christ. इस बात को याद रखिए कि हम अच्छे व्यक्ति नहीं बनते हैं अच्छे कार्य करने से, लेकिन हम अच्छे बनते हैं यीशु मसीह को जानने से. I don't go to heaven because of my good works. मैं स्वर्ग में इसलिए नहीं जाता क्योंकि मैंने बहुत अच्छे कार्य किए. I go to heaven because I've trusted in Jesus Christ who died for my sins. मैं स्वर्ग इसलिए जाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है उसने मेरे लिए प्राण दिया. Paul would write these things to the Corinthian church. और ये छह बातें जो हैं कोरिन्थ चर्च को filled with problems. जो समस्याओं से घिरे हुए हैं. Paul would say that to them. और पौलुस उनसे कहता है. Base your life on principles. आपका जीवन जो है सिद्धांतों पर निर्भर करता है. God has put principles for us. और परमेश्वर ने सिद्धांत हमारे जीवन के लिए. When things are not clear, follow these principles. इस नियम के इस जो ये सिद्धांत है इनके पीछे चलिए. क्या निर्णय लेना है, क्या निर्णय से क्या आगे फर्क पड़ने वाला है, किसी के जीवन में प्रभाव पड़ने वाला है, मेरे जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इन सिद्धांतों को याद रखना. और इन सिद्धांतों को याद रखोगे तो आपका जीवन आसान हो जाएगा. योर लाइफ बिकम सिंपलर. गॉड इज नॉट पुट यू इन अ रूल and bound you with chains and said, do as I say. और परमेश्वर ने आपको जैसे एक चेन से नहीं जकड़ रखा है कि एक आपको नियम के लिए क्या नियम के लिए घुमाया. He set you free and he said, here is my guidebook. Take it along the way. वो उसने आपको आजाद किया और आपको ये किताब दी एक लो और अपने जीवन को. In this journey that you're trying to be like me, this book will help you. और इस सफर में जो तुम कोशिश कर रहे हो मेरे जैसा बनने के लिए ये किताब तुम्हारी मदद करेगी. In closing, what are the six things? और अंत में क्या वो छह बातें थी? First things, if it is profitable or not. पहला क्या मेरे लाभ के लिए होगी कि नहीं होगी? If it is not profitable, then I'm not doing it. अगर मेरे लाभ के लिए नहीं है तो मैं ये कार्य नहीं करूंगा. What's the purpose? और क्या उद्देश्य था? I want to be like Christ. मैं यीशु मसीह जैसा बनना चाहता हूं. Who wants to become like Christ? कौन बनना चाहता है यीशु मसीह जैसा? Everyone is supposed to become like Christ. हम सब बनना चाहते हैं और हमें बनना चाहिए यीशु मसीह जैसा. Right? So is it profitable or not? क्या ये लाभ के लिए है कि नहीं? So when you have to make a decision, keep these things in for your mind. जब आपको निर्णय लेने होते हैं तो इन बातों को अपने दिमाग में रखिए. Life journey, get up and read these things in your life. और अपने आपके जीवन के सफर में इस चीज को पढ़िए. और is it profitable for me? क्या ये मेरे लाभ के लिए है? Will I be enslaved by it? क्या मैं इसके द्वारा गुलाम बन जाऊंगा? If I'm going to be enslaved by it, I'm not doing it. अगर मैं गुलाम बनने वाला हूँ ये कार्य करते हो तो वो नहीं करूंगा. Will it be an example or no? क्या मैं एक उदाहरण का कारण बनूंगा? Will it edify? क्या ये उन्नति के लिए होगा? Will it bring glory to God? क्या ये परमेश्वर को महिमा देगा? And will it win souls to Jesus? क्या ये आत्माएं जीतेगा परमेश्वर के राज के लिए? Is it difficult or easy? क्या ये आसान है या कठिन है? ये बहुत ही साधारण आसान है. अब होमवर्क. It's not a homework. This is for your edification. ये आपकी उन्नति के लिए है. When you go back home, जब आप घर जाते हैं, keep these six things before you.
ये छह चीजें आप अपने आगे लिखिए एंड थिंक अबाउट इट उसके बारे में सोचिए वुड यू डू सर्टेन थिंग्स डिफरेंटली दैट नाउ दैट यू नो दिस थिंग्स क्या कुछ चीजें आप अलग तरीके से करोगे जो इसको जानने के बाद इन अ रिलेशनशिप आपके संबंध में इन अ फैमिली आपके परिवार में इन योर वर्क आपके कार्य में in your personal life in aapke vyaktigat jeevan mein in your convictions par aapki jo aapko hai vyaktigat jo nirnay lene hai aapko after reading these six things and understanding it would it change something in your life kya isko padhne ke baad kya wo cheez badal jayegi if it does agar badalti hai then do it to aap usko kariye zarur these are principles to set us free kyunki ye siddhant hai aapko azad karne ke liye that we don't become anyone's slave taki hum kisi ka gulam nahi bante but we become christ like लेकिन हम यीशु मसीह जैसे बनते हैं become a servant of Christ, हम परमेश्वर यीशु मसीह के दास बनते हैं, so that we can be like him. ताकि हम उसके जैसे बन सकें Bow our heads, close our eyes. आइए अपने सरों को झुकाएं और आंखें बंद करें Father, we thank you. परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी ये किताब Bible, जो बाइबल है is full of love principles. और इसमें पूरे प्रेम के सिद्धांत भरे हुए हैं All this is for love. और ये सब कुछ प्रेम के लिए है This is for our good. वो हमारे भलाई के लिए But for your glory. और आपके महिमा के लिए you put these principles और ये आपने सिद्धांत लिखे हैं for our freedom. हमारी आजादी के so लिए that we can be like you. ताकि हम आप जैसा बन सके so that when we have hindrances, ताकि जब कोई रुकावट आए when we have obstacles, जब कोई परेशानी परिस्थिति आए we know how to get over them. हम जान सके कि हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं हम प्रार्थना करते हैं that no sin will entangle us. कि कोई भी पाप हमें जैसे जकड़े ना that we don't want to become a slave of anything in this life. हम इस संसार में किसी चीज के गुलाम नहीं बनना चाहते we want to be your servant. लेकिन हम आपके दास बनना we चाहते want to win souls. मैं आपके लिए प्राणों को जीतना चाहते हैं we want to touch lives. मैं लोगों के जीवनों को छूना चाहते so that people can become like you. ताकि लोग आपके जैसे so that they can go to heaven. ताकि वो स्वर्ग में जा सके and your name can be glorified. और आपके नाम को महिमा मिले we love you, Lord. हम आपसे प्रेम करते हैं परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु If you are here today, अगर आप पहली बार यहाँ पर हैं not sure और यहाँ आप नहीं जानते इस बात your future, आपके भविष्य के बारे में do not know, पर आपको नहीं पता है what will happen to you when you die. क्या होगा अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी Bible says, Bible वचन कहता we are all born sinners. हम सब पापी पैदा हुए थे We are all sinners. हम सब पापी हैं. No good or bad. और कोई भी बुरा भलाई sin नहीं. Sin is in each one of our lives. और ये पाप जो हमारे सबके जीवन में है. And if we die in our sins, अगर हम अपने पाप में मर जाएंगे, we can never go to heaven. तो हम कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते. But Jesus came. लेकिन यीशु मसीह आया. And died for our sins. और हमारे लिए मरा. He died in our place. और हमारे स्थान पर मरा. And he said, और उसने कहा, He who believes in me. जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा never perish, वो कभी नाश नहीं होगा will have everlasting. पर वो परंतु अनंत जीवन पाएगा This is not about religion. और ये किसी धर्म के बारे में नहीं This is not about church. ये किसी कलीसिया के बारे This में is नहीं about your relationship with Jesus Christ. ये आपके संबंध के बारे में परमेश्वर If you want to be sure of going to heaven, अगर आप निश्चय रूप से जानना चाहते हैं कि आप स्वर्ग में जाएंगे Jesus said, I am the way, the truth and the life. यीशु मसीह ने कहा मैं सत्य हूँ मैं मार्ग हूँ मैं जीवन हूँ No one comes to heaven but through me. कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता मेरे अलावा If you want to be sure of going to heaven, अगर आप जानना चाहते हो निश्चित रूप से कि आप स्वर्ग में जाओगे, तो आप ये साधारण सी प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। Jesus, आप कहिए अपने मन में यीशु मसीह। Thank you for dying for my sins. धन्यवाद करता हूँ प्रभु आप मेरे पाप के लिए मरे। I put my trust in you. मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। I believe. मैं आप पर विश्वास करता हूँ। That you died for my sins. मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पाप के लिए मरे। You were buried. आपको गाड़ा गया But 3 days later you rose again. लेकिन 3 दिन के बाद आप जी उठे You are alive today. और आज आप जीवित हैं Forgive me my sins. मेरे पापों की क्षमा करिए प्रभु Come into my life. मेरे जीवन में आइए Change me. मुझे बदलिए प्रभु Make me a child of God. और मुझे परमेश्वर का पुत्र या पुत्री बनाए I put my trust in you. मैं अपना विश्वास आप पर If you're saying that prayer for the first time, अगर ये प्रार्थना अपने जीवन में आप पहली बार really कर रहे हैं believing in your heart, और सच में हृदय से आप विश्वास कर रहे हैं trusting Jesus, और यीशु मसीह पर भरोसा रख रहे हैं then he saves you. तो वो ये कहता है he assures you of heaven. वो कहता है कि वो आप स्वर्ग में जाएंगे ही you raise your hand for a moment and put it down if you have prayed that prayer for the first time. अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार करी है तो अपने हाथ थोड़े क्षण के लिए उठा सकते हैं सारे सर झुके हैं आंखें बंद हैं This is not to embarrass you, but to rejoice with you. ये आपको निराशा करने के लिए नहीं है लेकिन आपको क्या आनंद बनाने के लिए है Jesus, यीशु मसीह Thank you for dying for my sins. धन्यवाद करता हूँ मेरे लिए मरने के I accept you. मैं आपको ग्रहण करता हूँ As my Lord and Savior. अपना प्रभु है अपना उद्धार करता के रूप my life and change me. आइए मेरे जीवन में और मुझे बदलिए Make me a child of God. और मुझे परमेश्वर का बच्चा बनाए Anyone here saying that prayer? अगर आपको यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं प्रभु We love you. हम आपसे प्रेम करते हैं Use these principles in our life, Lord. इस सिद्धांत को आप इस्तेमाल करिए प्रभु That we may be more like you. ताकि हम आपके जैसा बन सके प्रभु In Christ's name we pray. यीशु मसीह के नाम में Amen.